पहली बार जो पठान का बॉयकॉट निकल कर सामने आया था वो बस नाम को लेकर था। एक चीज को बहुत बड़ा हल्ला बना दिया गया है, वो है भगवा रंग की बिकनी। अब ये रीजन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो पूरा पूरा कि भाई भगवा रंग था तो इसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। पहली बार जो पठान का बॉयकॉट निकल कर सामने आया था वो बस नाम को लेकर था। ये बहुत पहले की बात है, जस्ट नाम रिलीज ही किया गया था कि यार पठान नाम की कोई मूवी आएगी। उसके बाद जो बॉयकॉट की बातें सुनी वो सुनी हमने कि यार बहुत बड़ा रिमेक होने वाली है मूवी, लेकिन रिमेक नहीं निकला। फिर जो बॉयकॉट के नारे लगे वो इस बात को लेकर लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक्शन सीन कॉपी किए गए। तो पता चला कि भाई साहब यही तो नींव है, बॉलीवुड हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, एक दूसरे से तो चोरी चकारी इतनी कर ही लेती है। और अब जो बॉयकॉट के नारे लगे हैं वो हैं भाई बेशर्म रंग के। तो यहाँ पर हो क्या रहा है मसला, सबसे पहले तो बता दो अगर आपने बेशर्म रंग देख लिया है तो कोई अंतर नहीं बेशर्म रंग और आपके घुंघरू टूट गए में, सेम ही वाइब है दोनों गानों की। लेकिन यहाँ पर एक चीज को बहुत बड़ा हल्ला बना दिया गया है, वो है भगवा रंग की बिकनी। और लोग बोल रहे हैं कि भाई बिकनी के गाने तो बहुत सारे आ लिए, लेकिन जिस फुहड़ता से इसको दिखाया गया है हम इसको बॉयकॉट करते हैं। अब ये रीजन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो पूरा पूरा कि भाई भगवा रंग था तो इसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से बॉयकॉट की ये लहर है जो दो वर्गों के बीच चल रही है। और बहुत से लोगों का कहना है कि इसी चीज से बचने के लिए शाहरुख खान वैष्णो देवी गए थे। अब यार मेरा तो ऐसा मानना है कि शाहरुख खान आई थिंक लगभग जितने भी हिंदुस्तान के बड़े टेम्पल हैं वहाँ हर जगह जा चुके हैं। और एक नजरिया ये भी है कि तभी जाते हैं जब उनकी मूवी रिलीज हो रही हो। तो दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल सेम भी हैं और खिलाफ भी हैं, लेकिन अभी तक कोई साफ साफ चीज नजर नहीं आई। जैसे भाई हमें मिल गया था आदि पुरुष में बॉयकॉट करने का, लोगों ने बोला था कि हनुमान जी को कैसे दिखाया गया है, श्री राम को कैसे दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर बस भगवा रंग को लेकर बॉयकॉट करना। आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर देकर बताएं सही है कि गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी 100 के होने वाले हैं दोस्तों, तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, फेस रिवील है और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे गिव अवेज। मिलता हूँ बहुत जल्द, अलविदा।